में इस बार कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही फूलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नजर रहेगी और वो जीत के साथ इस सीट पर एक लंबे समय के बाद काबिज होना चाहेगी। आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला था। हालांकि मार्च 2018 में हुए उपचुनाव में बसपा के समर्थन से सपा बीजेपी को करारी मात देने में कामयाब हुई थी और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सपा बसपा गठबंधन से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस के भी प्रियंका कार्ड से यहां पर कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगने की संभावना है, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो इस बार फूलपुर की सीट पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि फूलपुर की सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल फूलपुर की सीट पर सपा का भी मजबूत जनाधार है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 1996 से लेकर 2004 और 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। अब अगर बात करें यहां के जातीय समीकरण की तो फूलपुर में जातीय समीकरण काफी दिलचस्प रहा है। संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पटेल मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 2.25 लाख है। मुस्लिम, यादव और कायस्थ मतदाताओं की संख्या भी इसी के आसपास है और लगभग 1.5 लाख ब्राह्मण और 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। लोकसभा में यहां से 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फूलपुर, सोराव, फाफामऊ, इलाहाबाद उत्तरी और इलाहाबाद पश्चिमी सीट शामिल है। इनमें से सोराव सीट पर अपना दल का कब्जा है और बाकी की 4 सीटें बीजेपी के खाते में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के केशव मौर्य को 5,03,564 वोट मिले थे, तो वहीं सपा के धर्मराज सिंह पाटिल को 1,95,256 वोट मिले थे, जिसके साथ सपा दूसरे नंबर पर रही। बसपा ने भी 1,63,710 वोट के साथ तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई थी और वहीं कांग्रेस को मात्र यहां से 58,127 वोट मिले थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका के आने के बाद फूलपुर का फैसला कांग्रेस के पक्ष में होता नजर नहीं आ रहा है और इस बात को फूलपुर की जनता ने विधानसभा चुनावों में ही साफ कर दिया है। इस बार सपा बसपा के गठबंधन के बाद फूलपुर के मुसलमान, यादव, अनुसूचित जाति के मतदाता और गठबंधन के खेमे में जाएगा इनका वोट और ऐसे में इस बार फूलपुर में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलेगा, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी फूलपुर के मुसलमानों का फैसला था सपा और बसपा के पक्ष में, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी उनका फैसला सपा और बसपा के खेमे में जाता नजर आ रहा है। SPN9 न्यूज रूम से रक्षा की रिपोर्ट।